कक्षा 9 विषय गणित इकाई 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रश्नावली 9.3 का ये प्रश्न क्रमांक 4 है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी एक ही आधार AB पर बने हैं, यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदुओं पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज एबीडी आपस में बराबर होगा। AB के ऊपर एक त्रिभुज एबीसी बना है, AB के नीचे पर एक त्रिभुज एबीडी बना है, हमको ये दर्शाना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि दिया क्या है, तो दिया है कि पहली जानकारी में हम लिख रहे हैं क्या त्रिभुज एबीडी में त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एबीसी उभयनिष्ठ आधार इसमें उभयनिष्ठ आधार क्या एबी है। इन दोनों त्रिभुजों की आकृति में आधार एबी कैसा है, उभयनिष्ठ है। आधार एबी इन दोनों में ध्यान से देखिए उभयनिष्ठ आधार क्या है, एबी है। साथ ही साथ यह है यदि रेखाखंड CD एबी से बिंदुओं पर समद्विभाजित होता है तो क्या दिया है, एसी को CD को एबी बिंदुओं पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। CD को एबी बिंदुओं पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब C से O की दूरी और O से B की दूरी आपस में कैसे बराबर है, तो इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। ये दिया है इस तथ्य पे इसके आधार पर अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के एरिया यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABD के। इसमें हम एक रचना करेंगे, रचना काफी महत्वपूर्ण होगी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। रचना कैसी, हम बिंदु C से AB पर एक लंब खींचते जिसको नाम दिया CM लंबवत AB तथा दूसरा लंबवत हम बनाते क्या DM लंबवत AB बनाए। इस लंब को बनाने के बाद में इस आकृति को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो बेस की आकृति है यह बिंदु C, यह बिंदु M, यह बिंदु O, ये D और ये M, क्योंकि लंब है इसका सीधा सा मतलब यहां कितने अंश के कोण है, 90 अंश के। ध्यान से देखिए कि गुणे की आकृति है इसलिए ये कोण हो गए शीर्षबिंदु को। और अगर एक और बात हम ध्यान से समझे तो हम बड़ी आसानी से बतला सकते हैं कि यह जो दूरी है कौन सी, सी से ओ की दूरी, ओ से डी की दूरी के बराबर है, क्योंकि ये हमें दिया है। क्या दिया है, CD को AB बिंदुओं पर समद्विभाजित करता है, CO डी के कैसे बराबर है, कौन से नियम से, एंगल एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध हो जाते हैं। तो इसी को सिद्ध करना पहले सर्वांशम उत्पत्ति शुरुआत कर रहे हैं CMO त्रिभुज CMO दूसरा त्रिभुज DMO इन दोनों ही त्रिभुज की आकृति को देखें तो हम पाते हैं बाईं ओर का एंगल एन दाहिनी ओर के एंगल एन के बराबर है और दोनों कितने के, 90। ये हमने रचना की। फिर CON को कौन सा कोण, CON को
टी ओ एन कोण के बराबर है और इसके लिए हम लिखेंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों त्रिभुज क्या करती है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में बराबर होते हैं। और तीसरी जानकारी, सी से ओ का डिस्टेंस और ओ से डी का डिस्टेंस बराबर है, इसको हमने लिखा दी है से। जैसे ये तीन जानकारी हम कंप्लीट करते हैं, हम लिख सकते हैं अतः सी से एन की दूरी और डी से एन की दूरी बराबर है। बराबर होने का कारण एंगल, एंगल साइड सर्वम समतल, ये दोनों कैसे आ गए बराबर, इसको हमने लिखा समीकरण नंबर एक। जब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब निकालेंगे, तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का, तो हम उसको लिखते हैं एक बटे दो गुणे आधा गुणे ऊंचाई। इसको लिखा हमने एक बटे दो गुणे आधा गुणे ऊंचाई। जब हम त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी एक बटे दो आधा की माप यानी a, ऊंचाई मतलब सी है। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। पुनः जब हम एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक बटे दो आधा का मतलब यहां भी यूनिट हो गया, ऊंचाई का मतलब यहां डी एन हो गया। ये समीकरण नंबर दो। अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं क्या कि सी से एन की दूरी और डी से एन की दूरी आपस में बराबर है। यहां जो अलग अलग वेक्टर है वो एक है सी एन और दूसरा है डी एन। सी एन और डी एन को छोड़ दे तो बाकी दोनों मान इक्वल है। तो क्या कहने का मतलब कि यदि हम तीनों समीकरणों को भारी वाली से ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि समीकरण नंबर दो और ये समीकरण नंबर तीन आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर इसलिए होंगे कि दोनों की ऊंचाई तो बराबर लग चुकी है, दोनों की ऊंचाई को छोड़ के आधार तो दोनों का उभयनिष्ठ था, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है वो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी के एरिया के कैसे होगा बराबर होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज का जो एरिया है वो आपस में बराबर है। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।